प्रदेश के धर्म नगरी राजिम स्थल का गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने औचक निरीक्षण किया। इसके साथ ही बेहतर व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। 5 फरवरी 2023 राजिम के त्रिवेणी संगम में आयोजित मेले के स्वरूप को भव्यता प्रदान करने व सुरक्षा व्यवस्था बनाए मौके पर उपस्थित जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मेले स्थल मुख्य मंच के समीप अकादमक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की निर्माधीन प्रतीकात्मक स्वरूप का अवलोकन करने के साथ ही विशाल दीप स्तंभ का निरीक्षण भी किए। राजिम मेले में प्रस्तावित स्थल व मुख्य मंच के मंत्री के द्वारा औचक निरीक्षण के दरमियानी जिले के कलेक्टर पुलिस अधीक्षक के साथ मौके पर जिला के सभी विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है, जो चिन्हांकित कर लिया गया है, निजी लोगों से चेंज भी कर लिया गया है, कुछ उसका डायग्राम भी बना लिया गया है। मैं वो देखने आया कि क्या क्या तैयारियां हुई है, क्या करना है। तो लगभग उसको लेबलिंग करना है, लगभग 20-30 लाख रुपया लगा के ये वो चल रहा है काम। लगभग 2 करोड़ की राशि स्वीकृत की आ गई है, जिसमें स्टेज भी बनना है, पीछे रूम भी बनना है, धर्मशाला बनना है, हमने एक स्टेज के सामने सेट भी बने, इसके लिए अच्छी आ गई है। यहाँ से हम लोग मेला स्थल जाने के लिए सड़क के जो है 100 करोड़ रुपया, यहाँ से जो हमारा दक्षवन झूला है वो लेकर नदी किनारे किनारे सड़क ले जाना है 100 फीट करीब चौड़ा, 17 करोड़ रुपया उसकी अभी बजट में हम लोगों ने पारित दिया है। चौबे बांधा की ओर से भी जो रोड को बनाना है फिर से नया, उसके लिए भी 11 करोड़ अभी बजट प्रावधान हम लोगों ने कर लिया है। बहुत जल्दी उसका एस्टिमेट भेज के प्राकलन स्वीकृत करा के और टेंडर लगाने की उसकी तैयारी कर रहे हैं। अंदर और जैसे दोनों रोड है, अंदर में और रोड बनाना पड़ेगा, उसके लिए भी PWD के अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है कि उसकी भी बना के तत्काल भेज दें, ताकि उसके लिए भी राशि कृत किया जा सके। वहाँ ग्राउंड स्थल में पूरा डायग्राम तैयार है कि कहाँ धर्मशाला बनेगा, कहाँ। ब्रांड न्यूज़ के लिए।